हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हम लोग CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, सिलेबस क्या है और किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। 2015 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए, 2016 में 12 क्वेश्चंस पूछे गए, 2017 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए और 2018 में 10 क्वेश्चन पूछे गए। पिछले 4 ईयर की बात करें तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 16 से 20 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे कि रीजनिंग का जो ये सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग से मार्क्स इजीली उठाया जा सकता है और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ आसानी से डील किया जा सकता है। अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलॉग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिरर एंड वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोडिंग और डिकोडिंग से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 2015 में पूछा तो 2016 में नहीं, 2016 में पूछा तो 2017 में नहीं। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिससे मतलब हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसमें से कोडिंग और डिकोडिंग भी है। आगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज। उसके बाद एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद डाइस से, डायरेक्शन से एक ईजी चैप्टर है जिससे मतलब आसानी से इसके क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। जैसे कि एक इमेज दिया गया है आपको और आपको इमेज में मतलब ये पता पूछा जाता है कि इमेज में कितने ट्राइंगल्स हैं या फिर कितने रेक्टेंगल्स हैं या फिर कितने स्क्वायर्स हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद फिगर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिगर में मतलब सीरीज टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एक फिगर का सीरीज दिया हुआ है और उसके बाद पूछा जाता है कि अगला जो फिगर होगा वो क्या होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन टॉपिक के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अभिपीडिया पोर्टल पे इससे रिलेटेड MCQ और कॉन्सेप्ट वीडियोस, वेब नोट्स, रिलेटेड टेस्ट अवेलेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।